हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ड्राइविंग गेम स्टार। तो गाइस, आज काफी दिन बाद हम लोग दोबारा से आ चुके हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड के साथ में। तो गाइस चलो यार, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे इस ड्यूटी को। और आज हम लोग एक इमरजेंसी मिल कर ड्यूटी करने वाले हैं। तो ये देखो गाइस, फिलहाल हम लोग है एरिया वाला, ये जो कंपनी है इसके पास में हम लोग अभी है। तो ये कोई मिल्क का फैक्ट्री होगा, तो यहाँ से जो है ना मिल्क को लेकर हम लोगों को सीधा पहुँचाना है अपने डेस्टिनेशन तक। फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे जो है मिल्क टैंकर्स और बाकी सब जो ट्रॉली वगैरह छोटे मोटे यहाँ पे रखे गए हैं। और हमारा जो ट्रक है गाइस, ये रहा, देखो गाइस, पता नहीं है कौन सा ट्रक हम लोगों को मिला, ये देखो DAF, तो DAF का ट्रक आज हम लोगों को मिला है। ऊपर में देख सकते हो लिखा हुआ, जल्दी से ट्रक को बोर्ड करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे ट्रक के अंदर में। तो जल्दी से गाइस हम लोग ट्रक को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है काफी ज्यादा जो है अंधेरा छाया हुआ है हर साइड में। तो जल्दी से हम लोग ट्रक को स्टार्ट करते हैं। ये देखो फाइनली हमारा जो ट्रक है ये स्टार्ट हो चुका है, और सामने वाले जो हेडलाइट्स है जल्दी से इसको ऑन करते हैं। अभी लग रहा है बिल्कुल एकदम उजाला, बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार बाहर के साइड में चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही है ना, पूरा जो ट्रक है हमारा पूरा फुली लोडेड है। तो चलो यार जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। शायद से गाइस हम लोगों को मैनचेस्टर तक जाना है। एक काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला जो ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिलने वाला है। पहली बार हॉर्न को भी चेक कर लेते हैं गाइस। वाह भैया, हॉर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और शायद से अभी हम लोगों को लेफ्ट साइड वाला जो रोड है इसको हम लोग को चूज़ करना है, क्योंकि यहीं से शायद हम लोग बाहर निकल सकते हैं इस मिल्क वाले फैक्ट्री से। एक मिनट रुक जाओ गाइस, हम लोग सही तो जा रहे हैं ना। हाँ गाइस, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। और वैसे गाइस मुझे ना रात के वक्त में चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है गाइस, एक बार बता देना कमेंट्स में अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा। एक काम करते हैं, इंडिकेटर जला देते हैं। अरे ये इंडिकेटर का स्विच था क्या? नहीं, इंडिकेटर का नहीं, ये शायद से विंडशील्ड को मतलब साफ करने वाला स्विच था। इंडिकेटर का स्विच कहाँ गया गाइस? हाँ ये रहा, ये इंडिकेटर का स्विच। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जो हमारा लाइट है ना इसको एकदम दूर के साइड में कर देते हैं। और यहाँ से गाइस चलो एकदम राइट साइड में हम लोगों को जाना है। और गाइस दो ट्रैक मॉनिटर मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद से एक ट्रैक मॉनिटर हमारे ट्रक का होगा, हमारे ट्रक में। हाँ गाइस बिल्कुल मैं सही कह रहा था, एक ट्रक मॉनिटर हमारे ट्रक का है। तो क्या मैं इसको बंद कर सकता हूँ? एक मिनट रुक जाइए, मैं कोशिश करता हूँ इसको बंद करने की। हाँ गाइस फाइनली हमने इसको बंद कर दिया F3 को प्रेस करके। अभी ना गाइस हम लोग, ये देखो गाइस ये पुलिस मेरे सामने, पता नहीं यार क्यों पीछे पड़ जाती है, जहाँ जाओ वहीं हम मेरे ही पीछे पड़ती है पुलिस। यार चलो जो भी है वो तो चला गया और हम लोग भी बच गए। और गाइस हम लोग देखते हैं कितना जल्दी हम लोग मैनचेस्टर तक पहुँचा था। लेकिन सबसे पहले जैसे ही हम लोगों को कोई पेट्रोल पम्प वगैरह मिल जाए ना, वहाँ पर जाकर गाइस मैं रेस्ट करना चाहूँगा, ताकि रात का वक्त बीत जाए यार, क्योंकि रात के वक्त में ड्राइव करने में मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी हम लोग हॉर्न बजाते हैं, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। और ये कुछ आसपास में कोई फैक्ट्री टाइप का लग रहा है। खैर चलो जो भी है, देखो लेफ्ट साइड में कौन कौन से छोटे मोटे गाड़ी वगैरह आ रहे हैं। और यहाँ पे तो गाइस फिलहाल कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पेट्रोल पंप या फिर सोने का जगह, मतलब जहाँ पर हम लोग रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। वैसे लेफ्ट साइड में गराज है, गराज को क्या मतलब, लोगों को गराज वराज नहीं चाहिए। इंडिकेटर को गाइस ऑन करते हैं, क्योंकि राइट साइड में हम लोगों को जाना है। राइट साइड में देखते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है ना? हाँ बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं समझ गया गाइस, हम लोग कोई पोर्ट में एंटर कर रहे हैं गाइस। शायद से हम लोग को शिप से जाना है, अपन के गाड़ी को ले जाना है शिप से, क्योंकि यार हम लोग, ये कोई डॉक यार्ड है ना, मुझे यार वैसा ही लग रहा है कि शायद से कोई डॉक यार्ड है। वो देखो गाइस सामने हमारा जो जहाज़ है वो दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं आपको जो जहाज़ है ना वो एकदम अच्छे से दिखा दूंगा। पहले मेरे ट्रक को मैं धीरे से पार्क करता हूँ, उसके बाद जो हमारा जो शिप है ना वो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखा के आता हूँ। अरे अरे यहाँ पे एक बम्पर था काफ़ी बड़ा वाला, और मैं वो ढंग से देख नहीं पाया। चलो यार अब यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं हमारे ट्रक को, बिल्कुल सही जगह पे हमने रोक दिया हमारे ट्रक को। अभी हम लोग इंजन को ऑफ कर देते हैं। चलो इंजन ऑफ हो गया है, तो चलो गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर के साइड में, ताकि जो शिप है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा पाऊँ मैं। ये देखो गाइस कितना ज़्यादा मस्त वाला हमारा जो शिप है, कौन सा शिप है ये? पोलारिस लाइन्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है शिप को। ये देखो गाइस हम लोग अंदर के पोर्शन में आ चुके हैं, बिल्कुल वैसे खाली लग रहा है, मतलब अभी कुछ देर में ये शिप यहाँ से निकल जाएगी और हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन यानी हम लोग को जिस पार में जाना है हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऊपर में सब लोग देख ही सकते हो कितने सारे जो गाड़ी वगैरह यहाँ पे रखा गया है, ये लोग भी जो है इसको पार करना चाहते हैं। तो चलो गाइस हम लोग जल्दी से पार करते हैं इसको। बहुत अच्छी बात है गाइस, जब तक हम लोग जो है उस रिवर या फिर उस लेक को, मतलब जो भी है वो समुंदर जो भी है, जब तक हम लोग उसको पार कर रहे थे ना, तब तक जो है आप लोग आसपास में देख सकते हैं सुबह का माहौल हो गया है, और जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था रात के वक्त में ड्राइव करना। अभी चलो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन मतलब समझ में मेरे को जो आ नहीं रहा है कि हम लोगों को निकलना कहाँ से है।
एक बार गाइस मैं पीछे से देख लेता हूँ। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना है गाइस। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग हमारा जो ट्रक है ना, इसको एकदम ढंग से देख लो, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है हमारा वाला ट्रक। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अभी डॉकयार्ड से निकल रहे हैं और यहाँ से शायद हम लोग को लेफ्ट साइड में जाना है। और यहाँ का जो लेन है ना, मतलब हम लोगों को लेफ्ट लेन पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग को राइट लेन पकड़ के जाना पड़ रहा था। खैर चलो जो भी है, तो यहाँ से हम लोग को जाना है राइट साइड में। जल्दी से मैं राइट साइड वाला इंडिकेटर मार देता हूँ और वो देखो कितने मस्त मस्त ट्रक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवेको का ट्रक है, ये क्या लेके जा रही है, ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को लेके जा रही है। बाकी हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं डॉक यार्ड से और हम लोग अभी सीधा ही जाना है वैसे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, देखते हैं कब तक आते हैं हमारे डेस्टिनेशन। और बाकी आप लोग आसपास का नज़ारा भी इंजॉय करते रहिए थोड़ा बहुत। ट्रमेरी का एक यहाँ पे देखो ट्रॉली टाइप का पड़ा हुआ है, कितने सारे गाड़ियाँ पे नज़र आ रहे हैं, कोई पार्किंग होगा ऐसे यहाँ पे। और सामने में अरे अरे रुको 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 रुको, क्योंकि यार अभी बहुत जल्द हम लोग शायद से टकराने वाले थे। मैं साइड में देखने के चक्कर में सामने देखना भूल ही गया था। काफ़ी लंबा वाला जैम लगा के रखा है यहाँ पे, पता नहीं यार इतना ज़्यादा लंबा जैम क्यों है यहाँ पे, पता नहीं यार किसने पोपट किया हुआ है यहाँ पे। खैर जो भी है, हम लोग भी सीधा चलते हैं। सामने में हम लोग को एक आइलैंड दिखाई दे रहा है, उस आइलैंड से हमको लेफ्ट साइड में जाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रिम्सबी, ग्रिम्सबी इसी साइड में। वैसे हम लोग ग्रिम्सबी में जा रहे हैं क्या? लो भाई ड्राइवर को खुद ही पता नहीं कि कहाँ पे जाना है। खैर जो भी है, वो जाते जाते पता चल जाएगा। और बाकी ये लोग मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मन कर रहा है इन लोगों की ऐसी की तैसी कर दूँ, लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे ना तो हमारा जो पैसा है ना वो हमको मिलेगा नहीं पूरा। तो यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट साइड में। अरे मैं इंडिकेटर डालना तो भूल ही गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे में शायद से कोई गाड़ी वगैरह था नहीं। अभी आसमान जो है वो थोड़ा बहुत क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा है, तो क्या पता बारिश वगैरह आ जाए। चलो वो तो अब आगे जाके पता चलेगा। बाकी यहाँ का रोड्स बिल्कुल मतलब काफ़ी साफ साफ लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कोई पेडिस्ट्रियंस नज़र नहीं आ रहेगा इस, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। मतलब जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा या फिर कोई लोग पैदल चल के जा रहे होंगे यार, तभी वहाँ पे और ज़्यादा असली वाला मज़ा आएगा। खैर वो यार इंडियन रूट्स में हम लोग ट्राई करेंगे, यूरो ट्रक सिमुलेटर के जो इंडियन रूट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेंगे। ये देखो ऊपर से एक ब्रिज, पता नहीं यार कौन से साइड में जाता होगा ये ब्रिज। और बाकी अभी का जो वेदर है ना यार, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा होके रखा है, क्योंकि यार आप लोग वहाँ पे देख सकते हो ये सनराइज़ हो रहा है या सनसेट हो रहा है यार, मुझे उतना भी नहीं पता यार, समझ में नहीं आ रहा सनराइज़ हो रहा है कि सनसेट हो रहा है। बाकी लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, इसको यार दे देते हैं पास, नहीं तो यार पीछे में आकर हॉर्न बजाती रहेगी और मेरा दिमाग ख़राब करेगी। खैर जो भी है, अभी धीरे धीरे सामने चलते हैं। और यहाँ पे कर्व्स आते जा रहे हैं, और सामने वो क्या है गाइस, एक शिप है गाइस, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? देखो यार एक शिप जा रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लेता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नज़ारा, आप लोग यहाँ से देखते रहिए गाइस, आप लोगों को दिखा होगा शिप। बाकी जो वाटर का टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। और ये देखो गाइस, ये जो ब्रिज दिखाई दे रही है ये कुछ हमारे सेकेंड ब्रिज जैसा नहीं लग रहा है, हमारे कोलकाता में जो सेकेंड ब्रिज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ उसी तरह का लग रहा है गाइस। गाइस क्या हम लोग उसी ब्रिज से जाने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि हम लोग उस ब्रिज से जाएंगे। काफ़ी देर से मैं आपको अंदर में बैठ के दिखा रहा था, अभी थोड़ा सा बाहर के साइड से हम लोग। और जो ट्रैक मीटर है ना गाइस, इसको हम लोग जल्दी से ऑन कर लेते हैं। स्पीड लिमिट कितना है गाइस? 50 का स्पीड लिमिट है। खैर जो भी है, दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग बिल्कुल सही स्पीड में जा रहे हैं। देखो यार इसमें लगता है ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल लगा हुआ है, पता नहीं यार, मतलब जिसको क्रूज कंट्रोल कहते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है, जेसीबी टाइप का कोई एक गाड़ी मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइस हमने राइट वाले इंडिकेटर को ऑन कर दिया और अभी धीरे धीरे जो डायरेक्शन है हम लोग चेंज करते हैं। देखो यार हमारे लिए जो गाड़ी है ना, ये लोग रुक चुके थे, बीसीबी का पता नहीं यार कोई ट्रक होगा। और हम लोग तो एरिया से आ रहे, आपको मैंने पहले भी दिखाया था गाइस कि एरिया जो कंपनी है वहीं से हम लोग को मिल्क को डिलीवर करना पड़ रहा है अपने डेस्टिनेशन तक। गाइस शायद से हम लोग बहुत जल्द पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक, क्या देखते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ रहा है हम लोगों को। भाई हॉर्न तो काफ़ी तेज़ी से सुनाई दे रहा है, लेकिन इंजन का जो साउंड है वो नहीं सुनाई दे रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग चलते हैं ट्रक के अंदर में। और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नज़ारा देखते रहिए गाइस। देखो यहाँ पे ग्रिम्स भी सीधा दिखा रहा है, तो हम लोग को सीधा जाना है लेफ्ट साइड में जाना है, हम लोग को लेफ्ट साइड में जाना है। मैं सोच रहा था हम लोग को ग्रिम्स भी जाना है, लेकिन नहीं गाइस। ये देखो यहाँ पे अगला जो साइन बोर्ड है, मैं इसको ज़रा देखने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। न्यू कैसल और एडिनबर्ग, तो न्यू कैसल और एडिनबर्ग लेफ्ट साइड में है। तो चल, अरे यार कौन है भैया, कौन है यार, क्या है? मतलब क्या दिक्कत है यार, मैं तो एकदम बिल्कुल आराम से जा रहा था, तुमको क्या दिक्कत आ रही थी?
यार इसके इन लोग के साथ में ना रोड रेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। चलो यार फालतू में इसने ठोक दिया, कोई बिना किसी कारण के इसने यार ठोक दिया, ऐसे यार दिमाग खराब करते ये लोग। और यहाँ पे जो वेदर गाइस लग रहा है शाम होने को आ रहा है, मुझे लगा था सुबह हो गया लेकिन नहीं गाइस, ये यहाँ पे शाम का वक्त हो गया, मतलब हम लोगों को पूरा ऑलमोस्ट एक दिन के आसपास लग गया उस नदी या रिवर, मतलब जो भी था वो लेक या समुंदर जो भी था उसको पार करने में पूरा एक दिन के आसपास वक्त लग गया हम लोगों को। यार काफ़ी ज़्यादा लंबा वाला जर्नी था यार। बाकी वहाँ सामने में देखो यार सनसेट काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, सन तो सेट हो चुका है लेकिन सनसेट के बाद में जो माहौल है ना यहाँ पे कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई है तो नहीं भैया, अगर कोई है तो हट जाओ नहीं तो यार फिर ऐसे बेफालतू में ठोकने को आ जाएंगे। यही थी ना, हाँ यही थी, इसी ने यार ठोका था हम लोगों को बिना किसी कारण पे। खैर जो भी है अभी तो बिल्कुल सही से ड्राइव कर रही है और हम लोग भी सही से ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आसपास का नज़ारा जो है वो भी आप लोग देख लीजिए, ये देखो ये एक और ट्रक है जो कि ट्रैक्टर को लेके जा रही है, सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोई ऑयल टैंकर लगता है जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, इसको हॉर्न बजा के चलते हैं यहाँ से, फिर पता चला फिर से बिना मतलब का ठोक देंगे हमको, तो हॉर्न बजा के ओवरटेक करना बिल्कुल सही रहता है गाइस। बाकी हमारा क्रूज कंट्रोल बिल्कुल ऑन ही है जिसके चलते हमारा जो स्पीड है ना वो स्पीड लिमिट के अंदर में है। वेट एक मिनट यार, सामने में वो जो ट्रक जा रही है वो किस प्रकार की ट्रक है यार, मैंने कभी देखा नहीं है। अरे चल हटो भैया हमको जाने दो पहले। अरे अरे सॉरी पुलिस हो ना? अरे मैं देख नहीं पाया था पुलिस हो, मुझे लगा था कोई टोइंग व्हीकल हो गया। अब खैर जो भी है, हाँ देखो अभी ज़रूरत नहीं है सोने का, अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप और स्लीपिंग जो स्टेशन है वो दिखाई दे रहा है, जब ज़रूरत है तब तो दिखा नहीं। अभी तो हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने ही वाले हैं तो यार अभी रेस्ट लेकर क्या करेंगे। देखो मैनचेस्टर के लिए हमको लेफ्ट वाला लेन को पकड़ना पड़ेगा, चलो लेफ्ट वाले लेन को पकड़ के रखते हैं। और सामने में पुलिस जी थोड़ा सा रुक जाइए, ये जो ट्रक है ना मैं इसकी बात कर रही हूँ, कौन सा ट्रक है गाइस समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का ट्रक है यार। वो जो कार्स है उनके लिए स्पीड लिमिट अलग है क्या पता नहीं यार। चलो हम लोग को यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना है। अरे 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 ब्रेक्स लगाओ अभी टक्कर हो जाती है ना इसके साथ में हमारा, थोड़ा ब्रेक्स और लगाना पड़ेगा। रुको चलो यार अभी सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है गाइस, यहाँ पे 11:40 हो रहे हैं, मतलब रात के 11:40 हो रहे हैं अभी, और हम लोग अभी मैनचेस्टर तक फाइनली पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा देर बाकी नहीं है गाइस, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। चलो एक बार बाहर की साइड से मैं आपको दिखा के आता हूँ, काफ़ी देर हो गया बाहर की साइड से मैं आपको दिखाया नहीं हूँ, अब चलो अंदर के साइड में चलते हैं क्योंकि बाहर के साइड से ना बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। चलो देखते हैं कैसे हम लोग इसको ओवरटेक कर पाते कि नहीं, ट्राई करते थोड़ा सा ओवरटेक करने की बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो यार तो तुम्हारा डीजी भाई बिल्कुल सीख गया ओवरटेक करना एकदम सही तरीके से। खैर जो भी है अभी हम लोग गाइस सिटी वाले इलाके में एंटर कर चुके हैं क्योंकि यार यहाँ पे देख के पता चल रहा है आसपास में कितने ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर सिग्नल रेड है तो हमको रुकना पड़ेगा यार, रुको अभी। अरे यार फाइनली जो है चालान हमारा कट चुका है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चालान जब कट चुके हम लोग निकल ही लेते हैं यार, चालान भी देंगे और फिर रुकेंगे भी यार, ऐसा तो होगा नहीं। खैर चलो अभी हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं गाइस, यहाँ पे आके हम लोग एक छोटी सी गलती कर चुके हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सामने में छोटा सा आइलैंड है, इसको हम लोग घूम कर हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचना है। चलो कोई तो आ नहीं रहा है ना, अगर कोई आ भी रहा होगा तो रुक जाना। अरे तेरी, चलो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके। चलो मैं आपको बाहर के साइड से ना नज़ारा दिखा के आता हूं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा रियल वाला फील आए। तो ये देखो गाइस फाइनली हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं मैनचेस्टर के हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक, और यहाँ ये जो फ्लैग है ना यहाँ पर जाकर हम लोगों को हमारे ट्रक को पार्क करना है। तो चलो यार, तो गाइस कैसा लगा आप सभी को आज का ये वाला ट्रक का एक्शन मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। अगर आपको आगे भी ऐसे ही और भी ट्रक वाली वीडियोस देखने तो मुझे वो भी कमेंट से बताना। और हाँ अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर से करके जाना क्योंकि आपको यहाँ पे ढेर सारे गेम प्लेस आगे भी देखने को मिलेंगे। अरे यार मतलब सिर्फ ट्रक सिमुलेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ढेर सारे गेम्स मैं आपको दिखाऊंगा और उम्मीद करते हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो ओके गाइस अभी मैं आपसे फिर से मिलूंगा किसी और अगले ऐसे ही वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।